हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है 5 अप्रैल 2022 को पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस का जो सिलेबस था उसको चेंज किया गया था, रिवाइज किया गया था और उसके पैटर्न में भी चेंज किया गया था, रिवाइज किया गया था। और आज हम लोग ये जानेंगे कि एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए क्या सिलेबस है और क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे पेपर पैटर्न के बारे में कि पेपर किस तरीके से आएंगे आपके और कितने पेपर होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि पेपर 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 पेपर हैं। 4 पेपर किन किन को देने हैं, कौन कौन एलिजिबल होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो 4 पेपर में से सबसे पहले नंबर का जो पेपर है, जिसका नाम बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रखा गया है, उसको जो लोग एमटीएस के लिए एलिजिबल हैं वो भी दे पाएंगे और जो लोग पोस्टमैन या मेलगार्ड के लिए एलिजिबल है वो भी दे पाएंगे। यानी कि ये जो पेपर है वो दोनों के लिए कॉमन होगा। उसके बाद में है पेपर 2, जिसका नाम है नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस, और इसको सिर्फ और सिर्फ जो लोग पोस्टमैन या मेलगार्ड के लिए एलिजिबल है वही दे पाएंगे। यानी कि पेपर 2 एमटीएस के लिए नहीं है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ एमटीएस का एग्ज़ाम देंगे उनको पेपर 2 नहीं मिलेगा करने के लिए। पेपर नंबर 3, जिसका नाम है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये जो लोग एमटीएस या पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोनों के लिए ही है, दोनों के लिए होगा। और उसके बाद में है पेपर 4, जिसका नाम है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन या मेल गार्ड देने इच्छुक लोगों के लिए होगा और एमटीएस के लिए किसी प्रकार का कोई पेपर पेपर नंबर 4 का नहीं होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी या एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि जो पेपर 1, 2, 3, 4 हैं, यानी कि पेपर 1, 2, 3, 4 हैं, वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए हैं, जो लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्जाम देंगे। और साथ के साथ जो लोग एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं उनको पेपर 1 और पेपर नंबर 3 ही देना है, उनको पेपर नंबर 2 और 4 उनके लिए नहीं होगा। पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 किस तरीके से रहेंगे, तो पेपर नंबर जो 1 और 2 हैं वो कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, 3 और जो 4 क्वालिफाइंग नेचर के हैं। यानी कि जिन लोगों को एमटीएस का एग्जाम देना है उनको पेपर 1 अच्छे से करना है और 3 में उनको पास होना है, 3 में उनको सिर्फ और सिर्फ पास होना है और 1 उनको अच्छे से देना है, उसी से मेरिट बनेगी। जो लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्जाम देने जाएंगे उनको पेपर नंबर 1 और 2, पेपर नंबर 1 और 2 जो लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्जाम देने जाएंगे उनको पेपर नंबर 1 और 2 दोनों अच्छे से करने हैं, यहाँ से उनकी मेरिट बनेगी। और पेपर नंबर 3 और 4 उनको सिर्फ और सिर्फ पास करने हैं, यहाँ से उनको पेपर नंबर 3 और 4 क्वालिफाइंग करने हैं, क्वालिफाइंग नेचर के हैं। नेक्स्ट, पेपर नंबर 1 और 2 दोनों एमसीक्यू हैं, यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पेपर नंबर तीन में 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और 2 पेपर सब्जेक्टिव है, यानी कि 2 में आपको लिखना होगा, जिनमें से 1 पैराग्राफ है और 1 लेटर राइटिंग है। पेपर नंबर 4 ऑन कंप्यूटर है, यानी कि डैश्ड होगा, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसे डैश्ड का टेस्ट भी बोलते हैं, वो कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होता है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज पर सिलेबस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो पेपर नंबर एक 100 नंबर का होगा, पेपर नंबर 1 100 नंबर का होगा, जो कि 2 पार्ट्स में होगा, यानी कि पेपर नंबर 1 पार्ट ए और पार्ट बी इस तरीके से आएगा आपका, पार्ट ए और पार्ट बी में आएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। उसके बाद में जो पेपर नंबर 2 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए है, उसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। पेपर नंबर 3 पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों के लिए है, एमटीएस वालों के लिए भी है, इसमें 30 क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, यानी कि एक में आपको पैराग्राफ लिखना है और एक में आपको लेटर लिखना है, 50 नंबर के हैं 32 क्वेश्चंस। उसके बाद में डेस्ट वाला जो टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट जिसे बोलते हैं टाइपिंग टेस्ट,
वो आपका 25 अंक का होगा। समय की बात करें, किस पेपर में कितना समय मिलेगा, तो पेपर एक में आपको 60 मिनट मिलेंगी, पेपर दो में आपको 30 मिनट मिलेंगी, पेपर तीन में भी आपको 60 मिनट मिलेंगी और पेपर चार में आपको 15 मिनट मिलेंगी। यानी कि जो लोग पोस्टमैन का एग्जाम देना चाहते हैं उनको चारों एग्जाम देने हैं और उनके एक साथ में तीन पेपर होंगे। कौन कौन से? पेपर नंबर एक, दो और तीन। जो लोग पेपर नंबर एक, दो और तीन में, यानी कि एक और दो में पास होंगे, तीसरा क्वालिफाई करेंगे, उनको पेपर नंबर चार में जाने का मौका मिलेगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट करने का मौका मिलेगा। जो लोग पेपर एक और दो में, पोस्टमैन और मेल गार्ड वाले जो भी हैं, पोस्टमैन और मेल गार्ड वाले जो भी हैं, अगर उनको पेपर एक और दो उनका पास हो जाता है, अच्छे नंबर आते हैं, तभी उनको मेरिट में लिया जाएगा। पेपर नंबर तीन में पास होना है, पेपर नंबर चार में भी पास होना है। वहीं बात करें एमटीएस के लिए, तो एमटीएस के लिए पेपर नंबर एक और तीन है, यानी कि पहले पेपर उनको 60 मिनट मिलेंगे, दूसरा पेपर उनके लिए होगा नहीं, तीसरा पेपर 60 मिनट का होगा उनका। तो इस तरीके से आप लोग टाइम का भी ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पेपर की बात करें, तो जो लैंग्वेज है, यानी कि जो भाषा है, पेपर कितनी लैंग्वेज में आएगा, तो उससे संबंधित सिंपल सा ये है कि जो लोग ऐसे स्टेट में है या ऐसे सर्किल में है जिनकी लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है, उनके लिए पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। कुछ लोग या कुछ सर्किल जिनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, उनका पेपर इंग्लिश और हिंदी में आएगा। जिन लोगों की लोकल लैंग्वेज, या जो लोग ऐसे स्टेट में रहते हैं जिनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तो उनको वो लैंग्वेज के साथ साथ में उनको इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा। कहने का मतलब है कि पेपर आपका इंग्लिश में भी आएगा और आपकी जो स्टेट या जो सर्किल की लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आपका पेपर आएगा। किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज कौन सी है, उसके बारे में भी अभी हम लोग नीचे चर्चा करेंगे, यानी कि थोड़ी देर बाद उस पर भी चर्चा होगी। बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, तो पेपर नंबर चार जो कि डेस्ट वाला टेस्ट होगा, इसके लिए न्यू रूलिंग आ चुकी है, इसलिए आप लोग इसको छोड़ेंगे। पेपर नंबर एक, दो, तीन के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से मतलब है कि कम से कम इतने लाने ही हैं, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे वो पेपर नंबर एक की बात करें, दो की बात करें या तीन की बात करें, जितने भी पेपर है उनकी बात करें। पेपर नंबर चार के बारे में रूलिंग आ चुकी है अलग से, इसलिए आप लोग इसको यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो जो लोग एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, पेपर एक भी होगा उनका और पेपर नंबर तीन भी होगा। पेपर नंबर एक में उनको कम से कम, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स लेके आने हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो उनको 37% मार्क्स लेके आने हैं, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए उनको 33% मार्क्स लेके आने हैं। वहीं एमटीएस वाले जिनको पेपर नंबर तीन देना है, उनको यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 40% मार्क्स लेके आने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 37% है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 33% मार्क्स उनको लाने होंगे। जो लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्जाम देने जाएंगे, उनको पेपर एक और दो में दोनों में ही कम से कम यूआर कैटेगरी में अगर वो हैं तो 40% मार्क्स लेके आने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है तो 37% मार्क्स लेके आने हैं, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो उनको 33% मार्क्स लेके आने हैं। और पेपर तीन के लिए भी उनको सेम इसी तरीके से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी हैं वो लाने होंगे, यानी कि इतने परसेंटेज मार्क्स आपको लाने ही होंगे। ये नंबर किस में से लेके आने, जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम अंक संख्या कितनी है, इसके बारे में जो मैक्सिमम मार्क्स अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, इसके इतने परसेंटेज, कितने परसेंटेज, उसका 40% यूआर के लिए, उसका ओबीसी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 33%। तो मन में एक प्रश्न ये आ सकता है कि अगर मान के चलते मैक्सिमम 100 हैं, अधिकतम अंक 100 है, मैक्सिमम मार्क्स अगर किसी पेपर के लिए 100 है, कोई व्यक्ति जो कि यूआर कैटेगरी से है 40% मार्क्स से ज्यादा लेके आया, यानी कि 41% मार्क्स लेके आया, यानी कि टोटल 41 नंबर लेके आया 100 में से, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप 41 लेके आए हो
और मेरिट में भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वैकेंसीज बची हैं और आपके मार्क्स यूआर कैटेगरी में 39% या 100 में से 39 नंबर आए हैं, भले ही वैकेंसी खाली रह जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने कम से कम जो नंबर लेके आने थे 40% वो आप नहीं लेके आए, यानी कि इतने आपको लेके आने हैं, कम से कम इतने लेके आने हैं, और इससे ज्यादा अगर आप लाओगे तो आपकी मेरिट में आपका स्थान या रैंक आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चर्चा का विषय है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस, पेपर एक के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर एक का पार्ट ए, यानी कि पेपर एक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए आपके लिए 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रश्न दो नंबर का होगा, यानी कि आपको टोटल 60 अंक का पेपर फर्स्ट का पार्ट ए देखने को मिलेगा। पार्ट बी के बारे में अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पेपर एक जिसका नाम बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, जिसको करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे और उसके पार्ट ए के लिए आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 60 अंक के होंगे, और उसमें भी आपको डिवाइड करके दिया हुआ है कि 23 क्वेश्चंस आपके पीओ गाइड पार्ट एक से, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन से हैं, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से आपको 7 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि टोटल 30 प्रश्न ये हो गए आपके, और 60 नंबर के आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ये था आपका पार्ट ए। ये जो पार्ट ए है पेपर एक का, ये एमटीएस के लिए भी है, ये पोस्टमैन के लिए भी है, और ये मेलगार्ड के लिए है, यानी कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो लोग एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, पोस्टमैन का दे रहे हो या मेलगार्ड का दे रहे हो, उनके लिए ये 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट से जो टॉपिक्स हैं उनके जो नाम है उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग का संगठन, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, डाकघर के प्रकार, बिजनेस आवर, कामकाज के घंटे, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, यानी कि जो पोस्टेज है, स्टैम्प्स हैं और जो स्टेशनरीज हैं उनका भुगतान किस तरीके से करना है, पेमेंट किस तरीके से होंगे, और नेक्स्ट में है जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अपेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि किसी भी डाक वस्तु किस तरीके से पैक करना है, उसको सील करना है, फिर उसको पोस्ट करना है, और उस पर डाक टिकट किस तरीके से चिपकाने हैं, इस संबंधी जो सामान्य नियम है वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ एड्रेस, पता लिखने का तरीका। अगला टॉपिक पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स। अगला टॉपिक ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन। जो लेटर बॉक्स होते हैं हमारे पास में, एलबी जैसे बोलते हैं, उसको जो एम्प्लॉय क्लियर करता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगे। उसके बाद में ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स, यानी कि निषिद्ध पोस्टल आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल जिन्हें हम लोग भेज नहीं सकते उनको प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, उत्पाद एवं सेवाएं हैं जैसे मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस, और ये आपको कहाँ से करनी है, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से करनी है, क्योंकि वहां पर ही इसका अपडेटेड मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से क्या है, आपको डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, और डेफिनेशन वाला जो सेक्शन है वहां से आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 14 नंबर के होंगे। इस तरीके से पेपर एक का पार्ट ए 30 क्वेश्चन 60 अंक के, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद में पार्ट बी के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट बी में आपको टोटल 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया टोटल 40 नंबर, और इस तरीके से आपका पेपर एक 100 अंक का हो जाएगा, और इसमें आपको 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन कैसे हुए, 30 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले, 23+7 30 क्वेश्चन, और उसके बाद में 10+10 यानी कि टोटल कितने हो गए, 23+7+10+10 का मतलब हो गया आपका टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें से पार्ट ए के 30, पार्ट बी के 20, टोटल 50 क्वेश्चंस, 100 नंबर के, पेपर वन कंप्लीट हो जाएगा आपका। 10 क्वेश्चंस जीके से संबंधित है, जनरल अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी है, सिविक्स है, जनरल नॉलेज है, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल है, और नेक्स्ट टॉपिक है एथिक्स एंड मॉरल स्टडीज। प्रत्येक टॉपिक से कम एक प्रश्न पूछा जाएगा और मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछे जाएंगे।
एक से तीन प्रश्न आ सकते हैं, भारतीय भूगोल से, सिविक्स से, जनरल नॉलेज से, स्वतंत्रता आंदोलन से, भारत का जो कल्चर है डांस और जो फोक डांस, शास्त्रीय नृत्य, वो सारी चीज़ें, और एथिक्स एंड मोरल से। यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चंस 20 नंबर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बेसिक अर्थमेटिक से भी 10 क्वेश्चंस, प्रत्येक टॉपिक से कम एक अधिकतम दो प्रश्न। टॉपिक्स हैं, सबसे पहला है बॉर्ड मास, जिसका पूरा नाम है ब्रैकेट ऑर्डर्स डिविजन्स मल्टीप्लीकेशंस एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस। दूसरा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगला है एवरेज यानी कि औसत। उसके बाद में है टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और नेक्स्ट है यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड का मतलब है एक एक नियम, एक एक नियम। यहां से आपके 10 क्वेश्चंस 20 नंबर के पूछे जाएंगे, और कम से कम प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन और मैक्सिमम दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप लोग पेपर वन को कंप्लीट करेंगे। पेपर टू जिसका नाम है नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के एग्जाम में आएगा जो लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्जाम देंगे, यानी कि जो लोग एमपीएस का एग्जाम देंगे वो इस पेपर टू को नहीं देंगे और वो इसको पढ़े भी नहीं, उनके पास समय की भी कमी रहेगी। पेपर दो आपको करने के लिए मिलेंगे 30 मिनट, आपके 5 क्वेश्चंस प्लस 10 क्वेश्चंस प्लस उसके बाद में कितने हैं आपके 10 क्वेश्चंस, यानी कितना हो गया टोटल 5 प्लस 10 प्लस 10 का मतलब हो गया 25 क्वेश्चंस, एक प्रश्न दो नंबर का यानी कि 50 नंबर हो गए। एमटीएस का अभी तक का जो सिलेबस था उसमें 50 क्वेश्चंस 100 नंबर के हो चुके हैं, और पोस्टमैन की बात करें तो उनका भी अभी तक 50 क्वेश्चंस जो कि एमटीएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, प्लस 25 क्वेश्चंस का उनका स्पेशल पेपर होगा, 25 क्वेश्चंस का स्पेशल पेपर होगा जो कि 50 अंक का होगा। इस तरीके से उनके टोटल 175 अंक के पूरे हो जाएंगे, यानी कि एमटीएस में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 का आपका पेपर होगा। पोस्टमैन में आपके टोटल 50 प्लस 25 यानी कि 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबर के होंगे, 150 नंबर के होंगे। 5 क्वेश्चंस पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से पूछे जाएंगे। टॉपिक्स के नाम है डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल्स को रिफ्यूज कैसे करते हैं, क्या उसके नियम है, ई मनी ऑर्डर का पेमेंट कैसे करते हैं, रिडायरेक्शन संबंधी नियम, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, एड्रेस को बदलने से संबंधित क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, कैसे देते हैं, आर्टिकल्स एड्रेस टू डिसीज पर्सन यानी कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मृतक व्यक्तियों के अगर कोई आर्टिकल है तो उनका किस तरीके से निपटान होता है, लायबिलिटीज टू डिटेंशन टू सर्टेन मेल्स यानी कि कुछ डाक वस्तुओं को किस आधार पर हम लोग डिटेन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, उस संबंधी नियम, और पोस्टल ऑफिसर्स जो कि रूरल एरियाज में करते हैं कौन, पोस्टमैन यानी कि जो सुविधा पोस्टमैन देते हैं रूरल एरिया में वो कौन कौन सी सुविधा फैसिलिटीज देते हैं, पोस्टमैन के द्वारा कैसे दी जाती हैं, उस संबंधी नियम। यहाँ से आपके 5 प्रश्न पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट से टोटल 10 अंक के हो जाएंगे। नेक्स्ट में आपका 10 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के पार्ट 3 से, जो कि कितने नंबर के होंगे 20 अंक के होंगे। और आप लोग अपने टॉपिक्स लिखें, पहला टॉपिक हेड पोस्टमैन, दूसरा नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, पोस्टल बिजनेस संबंधी कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट, कौन कौन से फॉर्म पोस्टमैन साथ लेके चलते हैं, सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टैम्प्स को कैसे बेचते हैं, पोस्टमैन की क्या बुक होती है, उसके क्या रूल्स हैं पोस्टमैन बुक, एड्रेस टू बी नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल, पोस्टल आर्टिकल पर कौन से एड्रेस नोट किए जाते हैं, डैमेज आर्टिकल टू बी नोटिस यानी कि अगर कोई टूटा फूटा सामान आ गया तो उसकी नॉलेज किसको देनी है, वो किसकी नोटिस में जाएगा, रिसीव्ड फॉर आर्टिकल इश्यूड फॉर डिलीवरी, जो आर्टिकल वितरण के लिए दिए जाते हैं उन संबंधी रिसीप्ट, नेक्स्ट बुक ऑफ रिसीप्ट फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिसेस डिलीवरी यानी कि जो इंटीमेशंस एंड नोटिसेस डिलीवर किए जाते हैं उस संबंधी जो बुक है उसका रखरखाव किस तरीके से करेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर डिलीवरी, और अगला टॉपिक है रियलाइजेशंस ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी, अगला टॉपिक है रिसीप्ट ऑफ एड्रेसेस एड्रेस फॉर रजिस्टर्ड, अगला टॉपिक है डिलीवर टू
इलिटरेट एड्रेसिस प्रोडेंशियल वुमेन्स अनपढ़ लोगों के और प्रधानसीन महिलाओं के जो आर्टिकल्स आते हैं उनकी किस तरीके से वितरण होगा। अगला डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू माइनर्स, छोटे बच्चों के जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स आते हैं उनके नाम से उनका किस तरीके से वितरण होगा। पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, ई मनी ऑर्डर का पेमेंट कैसे करना है। ई मनी ऑर्डर एड्रेस टू माइनर्स यानी कि अगर छोटे बच्चों के नाम से ई मनी ऑर्डर आएगा तो उसका कैसे निपटान होगा। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ ईएमओ एंड डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स टू लुनेटिक्स। अगला टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ ब्लेड पोस्टमैन यानी कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से आपके 10 प्रश्न, 10 प्रश्न के लिए आपने सिलेबस नोट डाउन कर लिया होगा, टोटल 20 अंक के यहां से आएंगे। नेक्स्ट पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10 अंक के हैं, टोटल यहां से भी आपका 20 नंबर का पेपर आएगा। वॉल्यूम 7 से जो टॉपिक्स हैं वो है स्टैम्प्स एंड सील्स, पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स, पोर्टफोलियो और उसमें क्या क्या सामग्रीज है, स्टेशनरी, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट को कैसे तैयार करते हैं, मेल एब्स्ट्रैक्ट, मेल सार, एक्शंस ऑफ मेल्स, मेल को किस तरीके से उसका एक्शंस होगा, केज टीवी, डिस्पोजल ऑफ एड्रेस, मेल एड्रेस टू अ सेक्शंस और अ मेल ऑफिस, जो सेक्शंस या मेल ऑफिसेज हैं उनके लिए जो मेल्स हैं डाक जो भी जाती है उसका किस तरीके से डिस्पोजल होगा, निपटान होगा, क्लोजिंग ऑफ टीवीज, ट्रांजिट बैग्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड एंड मेल एजेंट, मेल गार्ड और मेल एजेंट की क्या ड्यूटीज है वो भी आपको देखनी है, फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस, वैन छोड़ने या ऑफिस को छोड़ने से पहले क्या क्या ड्यूटीज थी उसको एक बार चेक करना। नेक्स्ट में है ए ऑर्डर एंड बी ऑर्डर, इस संबंधी आपसे 10 प्रश्न वॉल्यूम 7 से 20 अंक के पूछे जाएंगे पोस्टमैन के एग्जाम में। यहां तक आपका क्लियर हो गया, अब चलते हैं पेपर नंबर 3 जिसका नाम है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिसके लिए मिलेंगे आपको 60 मिनट। आप जो लोग एमटीएस पोस्टमैन या मेलगार्ड का एग्जाम देंगे उन सभी के पेपर में आएगा, इसलिए एमटीएस वाले पोस्टमैन या मेलगार्ड वाले भी इस सिलेबस को नोट डाउन करेंगे। 50 अंक का होगा, 32 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस आपसे वो पूछे जाएंगे जो कि आपको इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने हैं और 15 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने हैं, यानी कि 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं। 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं जो कि 10-10 नंबर के हैं। आपको यहां भी आपको 3-3 ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि आपको लेटर के 3 ऑप्शंस मिलेंगे ए बी सी, 3 में से किसी एक पर आपको लेटर लिखना है जो कि 40-50 शब्दों में लिखना है और 3 में से एक लेटर अटेम्प्ट करना है जिसके आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। पैराग्राफ और शॉर्ट ऐसे की बात करें वहां भी आपको 3 ऑप्शंस ए बी सी और उन 3 में से भी आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो भी आपका मन हो वो लिख सकते हैं, मैक्सिमम उसके लिए 10 मार्क्स होंगे। यानी कि इस तरीके से 30 क्वेश्चंस प्लस 1+1 यानी कि टोटल 32 क्वेश्चंस आपके यहां से हो गए और 32 क्वेश्चंस 50 नंबर के और उसको करने के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा मिलेगा। नेक्स्ट बात करें पेपर 4 की डेस्ट वाले टेस्ट की, इस संबंधी आपके रूल्स अपडेट हो गए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इस संबंधी आपको बता दिया जाएगा। तो आज की जो चर्चा थी एमटीएस पोस्टमैन या मेल गार्ड का जो पेपर पैटर्न था या जो सिलेबस था उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, सभी पेपर्स के सिलेबस नोट डाउन कर लिए होंगे आपने, सभी पेपर के सिलेबस नोट डाउन करने के बाद आप तैयारी कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद है। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।